ये तो जाएगी भाजपा इस बार। लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं, भाजपा से परेशान है लोग। अभी आप देख लो, जब तक 100 नहीं लाएंगे तो 400 पार होगा। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत आज सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं मुस्लिम बहुल इलाके मोहल्ला शमादार में। यहाँ पर बड़ी संख्या में देख सकते हैं हम मुस्लिम समाज के लोग खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे चुनाव में किधर इनका रुख रहा है। जी सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अजी कल्लू। अजी जी, आज क्या कहेंगे? उस दिन तो आप हाथी की बात कर रहे थे, आज क्या है भाई? रुझान तो ऐसा लग रहा है ऐसे इमरान पे वोट जा रहा जी, लेकिन देखो हाथी भी कुछ तो ले गई। हाथी ना ले तब तो कुछ हो सकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारा मुकाबला इमरान महसूस से। हाँ वो ठीक है, वो तो कुछ भी कह देगी। वो तो 400 पार का भी नारा लगा रही भाजपा, वो तो 400 पार का भी नारा लगा रही। अभी आप देख लो, जब तक 100 नहीं लाएंगे तो 400 पार होगा नहीं। केरला, मद्रास, ये सारी जगह चाहिए। जब 400 पार राजीव गांधी लाए थे, सहारनपुर में क्या रहेगा? सहारनपुर में टक्कर रहेगी। मुस्लिमों में तो इमरान मसूद है और बीजेपी का वोटर में बीजेपी है। ठीक है, आप चांद भाई जी, क्या नवाज खान जी जी, क्या लग रहा है आपको आज? आज किस तरह? आज मुस्लिम एरिया में सब इमरान ही चल रहा है जी, पूरे शहर में घूम के आए, मगर प्रतिशत बहुत कम हो रहा है। हम सारे हिंदुओं में घूम के आए हैं, गैर मुस्लिम एरियो में, वहाँ पे बहुत हल्का मतदान हो रहा है। जो खुशी होनी चाहिए ना, तेजी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और मुस्लिम इलाकों में भी यही है, मगर वोट अच्छा पड़ रहा है। इधर इमरान चल रहा है और उधर राघव जी चल रहे हैं। तो माजिद की क्या पोजीशन है? माजिद भाई तीसरे नंबर चल रहा है फिलहाल सहारनपुर के अंदर, शहर के अंदर। सच्चाई है इमरान मसूद तो कह रहे हैं उनको 1 लाख वोट भी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहे, वो तो कुछ भी कह दो। सुबह राज जी के वो उनके पक्ष में बैठ गए, माजिद भाई खड़े हैं, माजिद भाई भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, मगर इमरान भाई का ज्यादा जोर है यहाँ पे शाम। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये आपका नाम? मुदस्सिर अंसारी। अंसारी साहब, आज आपने वोट डाला है, लोगों का रुख भी देखा है, बात भी की हुई, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल है? मुस्लिम एरिया में इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी को वोट पड़ रहा है, और बाकी कहीं कहीं देखने को मिला है महाराष्ट्र सिंह कॉलेज में बड़े अधिकारी परेशान कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, चुनाव को लाइन लगा रहे हैं। वहाँ अधिकारी आया, मेरे दोस्त ने वोट डाल के आए, इन्होंने शिकायत की, और दो जगह पोलिंग मशीन वोटिंग के फ्लो चल रही थी, बड़ा काम है, चलता रहता है। क्या माहौल है? इमरान मसूद के पक्ष में है माहौल, माजिद अली कहीं नहीं है मुस्लिम एरिया में, और नॉन मुस्लिम भी दलित समाज में, राजपूत समाज में इमरान मसूद को वोट पड़ रहा है। क्या वजह है? क्या वजह है? लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं, भाजपा से परेशान है लोग, और साउथ में साफ है, यहाँ इस टाइम माहौल इमरान मसूद के पक्ष में है। और लोग इनसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम आपका? गुलजार अहमद जी। गुलजार भाई, क्या है आज माहौल? गठबंधन पे है सब कुछ। और माजिद अली का क्या होगा? माजिद अली तो कहीं नहीं है। क्यों, क्या वजह रही? माजिद अली अच्छा लड़ रहे थे, वो तो उछल रहे, कुछ ही करो जाओ, लेकिन गठबंधन के साथ है सब। अच्छा जी। और भाजपा कह रही है हम 400 सीट लाएंगे। वो कहती रहो, हर आदमी कह सकता है कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही, हर आदमी कह रही है कि मेरे पास इतनी आ रही इतनी आ रही, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। तो आपको पूरा यकीन है कि इमरान मसूद जीत रहे हैं? फाइट में है, जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ जी, आप बताएंगे आपका नाम? मोहम्मद रफी। रफी साहब, क्या माहौल है, किस तरह से देख रहे हैं आज के इलेक्शन को आप 2019 में? तासुब के खिलाफ वोट दिया हमने तो। क्या उम्मीद है आपको? ये तो जाएगी भाजपा इस बार। और भी लोग? सफाई है बिल्कुल एक तरफा। और लोग भी इनसे बात करेंगे, आप बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम जावेद है। आज आपने वोट डाला है, किस तरह का माहौल नजर आया, क्या लोग सोच रहे हैं? टोटल वोट तो मुस्लिम इलाकों में ज्यादातर वोट तो इमरान पे जा रहा है, लेकिन देहात का जो है बसपा भी जा रहा है वोट। अगर मुस्लिम वोट 60% पोल होता है 4 लाख के करीब, तो सीट निकल सकती है जी। गठबंधन चल रहा है, इमरान मसूद भाई जीतेंगे। ये थे मुस्लिम समाज के लोग। ज्यादातर यहाँ पर सबका ही कहना है कि इमरान मसूद गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम लोग नफरत के खिलाफ वोट दे रहे हैं और इस बार भाजपा को हराएंगे, इमरान मसूद को जिताएंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।